भारत ने बनाया ऐसा लड़ाकू विमान की फेल हो गए चीन रूस और अमेरिका भी। भारत ने बनाया एम का विमान का भी बाप। भारत की तकनीक से चीन रूस अमेरिका समेत सभी देश हो गए भौचक्के के। अमेरिका भी बोला भारत ने कर दिया बड़ा काम। दोस्तों भारत के एम का फाइटर जेट यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं। भारत इसे बनाने में इस समय अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और इसका कारण भी है क्योंकि जिस तरीके का यह लड़ाकू विमान है और जो इसकी खासियत है वह इसे एशिया का सबसे ज्यादा खूंखार और सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान बनाती है क्योंकि यह एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। 5.5 जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ आएगा चाहे S-400 हो या फिर अमेरिका का थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कोई भी दुनिया का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा यानी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर यह बमबारी करके वापस लौट आएगा और पाकिस्तान की सेना बस देखती ही रह जाएगी कि यह कारनामा करके कौन गया। लेकिन DRDO दोस्तों एक ऐसे लड़ाकू विमान पर काम करना शुरू कर दिया है जो एम का लड़ाकू विमान को भी पछाड़ देगा। जिसके सामने एम का लड़ाकू विमान भी पानी भरता है उस लड़ाकू विमान पर भारत ने काम शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ फूफा प्रोजेक्ट की। फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और बताया जा रहा है कि 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान होने वाला है जो एम का लड़ाकू विमान से कहीं ज्यादा एडवांस है, एम का से कहीं ज्यादा स्टेल्थ होने वाला है जिसकी कैपेबिलिटी उसे मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ना सिर्फ इस पर सीरियसली काम कर रहा है बल्कि इसको लेकर एक अभ्यास परीक्षण भी किया गया है। दरअसल दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि AED के बारे में यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह DRDO के अंतर्गत ही एक शाखा है। यह एमका पर भी काम कर रही है तो इसी की तरफ से हाल ही में एक अभ्यास को अंजाम दिया गया। उस अभ्यास में IIT कानपुर के अंदर जो भारत की विंड टेस्ट फैसिलिटी है वहां पर एक WTT मॉडल को बनाया जाना है और WTT का मतलब विंड टनल टेस्ट मॉडल है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि इस टनल में जो इस मॉडल की जो कैपेबिलिटी होगी वह तकरीबन 600 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार की होगी यानी कि विंड टनल टेस्ट में जब इस मॉडल को रखा जाएगा तो ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जैसा कि एक 600 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलने वाले लड़ाकू विमान के आसपास होता है और यह मॉडल एक अनमैन्ड मॉडल होना चाहिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अनमैन्ड मॉडल क्यों, तो दोस्तों इसका कारण यह है कि आने वाले समय में 6th पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने हैं ना, उसमें ऑप्शन होगा कि आप लड़ाकू विमान को एक अनमैन्ड ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि बिना पायलट के और जरूरत पड़ने पर एक पायलट के साथ भी उड़ा सकते हैं। तो यह तकनीक भी इसमें आने वाली है और उसमें भी आगे तो यह भी कहा जा रहा है कि पायलट का काम ही खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं इसकी खासियत क्या है और यह कब तक बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों इसकी बहुत सारी खासियतें होंगी। सबसे पहले तो ये सुपर स्टेल्थ होगा यानी कि वर्तमान में जितने भी मॉडर्न रडार सिस्टम है चाहे वे S-400 हो, आयरन डोम हो या फिर अमेरिका का थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। दोस्तों रोकेगा तब ना जब ये रडार सिस्टम में दिखेगा और दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको देखकर ट्रैक कर पाएगा, तभी तो अटैक कर पाएगा। लेकिन इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होगी कि इसको रडार सिस्टम भी आसानी से देख नहीं पाएगा। दोस्तों यदि भारत के 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान एमका की बात करें तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन इस 6th जनरेशन लड़ाकू विमान की स्पीड टनल टेस्ट के बाद बताई जा रही है कि तकरीबन 4500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब दोस्तों आप इस स्पीड से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या दुश्मन देश का रडार सिस्टम इसको कैच भी कर पाएगा। इस पर मिसाइल से हमला करना तो दूर की बात क्योंकि दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी कुल लगभग 3500 किलोमीटर है। अब इस 6th जनरेशन लड़ाकू विमान फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड 4500 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। ऐसे में कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी ये 45 मिनट में तय कर लेगा। फिर भी दोस्तों यदि हम मानकर चले कि अब से 20 से 25 साल बाद ऐसे रडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ जाते हैं जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान को डिटेक्ट कर लेते हैं और कभी कभार पकड़ भी लेते हैं, यूज सिचुएशन में अगर इस पर गोली या कोई हल्की मिसाइल या बम से हमला किया जाता है और वह इसे कुछ डैमेज पहुंचा देती है तो इसमें सेल्फ हीडिंग टेक्नोलॉजी भी होगी यानी कि खुद ब खुद यह लड़ाकू विमान अपने आप को यह हील कर लेगा।
लड़ाकू विमान के किसी भी हिस्से में अगर टूट फूट हुई तो वह खुद ब खुद सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि DRDO इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बेहद करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जो 6th पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा उसमें पूरी संभावना है कि इनमें मिसाइलें हो ही ना, इनमें मिसाइलों की जगह लेकर हथियारों को इम्प्लांट कर दिया जाएगा। क्योंकि मिसाइलों का क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिसाइल लगा सकते हैं, इसके बाद वे मिसाइलें खत्म होती है। लड़ाकू विमान को दोबारा एयरबेस पर लौटना पड़ता है मिसाइलें लोड करवाने के लिए। लेजर हथियारों के साथ यह दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि लेजर हथियार वो होते हैं जो बिजली से चलते हैं, ऐसे में वे कितने भी हमले कर सकते हैं, उन्हें रीलोडिंग की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वहीं दोस्तों बात करें इसके पेलोड की, तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही स्वायत्त मानव रहित हवाई वाहन पर काम कर रहा है, जिसे कैट्स वॉरियर के रूप में जाना जाता है, जो मानव युक्त लड़ाकू जेट के लिए वफादार विंग मैन के रूप में कार्य कर सकता है। और इसका अधिकतम वजन 2100 किलोग्राम है, लेकिन ऐसा लगता है कि फूफा का टेको वजन 5500 किलोग्राम होगा और ले जा सकता है 1500 किलोग्राम का उपयोगी पेलोड, जो कि कैट्स वॉरियर की क्षमता से दुगुना से अधिक है। और दोस्तों यदि बात करें इस बार की फ्यूलिंग में अधिकतम यह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो दोस्तों जहां भारत का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान M का 66,000 फीट की मैक्सिमम ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो वहीं 6th जनरेशन लड़ाकू विमान फूफा 80,000 से 90,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें कि एक बार की रीफ्यूलिंग में यह कितनी दूरी तय कर सकता है, तो दोस्तों एक बार की रीफ्यूलिंग में जहां M का लड़ाकू विमान मैक्सिमम 5,500 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है, तो वहीं यह 6th जनरेशन फूफा लड़ाकू विमान तकरीबन 8,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अब दोस्तों आप M का लड़ाकू विमान और 6th जनरेशन लड़ाकू विमान की तुलना करें तो आप जान पाएंगे कि रफ्तार से लेकर ऊंचाई तक उड़ने में, दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में, पेलोड ले जाने में और सेल्फ हीलिंग तकनीक में सब में फूफा लड़ाकू विमान M का लड़ाकू विमान से कहीं बेहतर है, और M का लड़ाकू विमान इसके सामने पानी भरता नजर आता है। लेकिन दोस्तों अब आ जाते हैं एन मुद्दे पर कि यह कब तक तैयार हो सकता है। तो दोस्तों ये मानकर चलिए कि 2030 से पहले आप इसके मॉडल को नहीं देख सकेंगे, कम से कम 2035 तक ही आपको ये देखने को मिलेगा, लास्ट हो सकता है कि 2040 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा समय, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा समय और इतने पहले ही हमने बनाना शुरू कर दिया, तो दोस्तों इसका कारण यह है कि भारत यह अब खुद बना रहा है। भारत को कोई भी देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, न रूस न अमेरिका। और दोस्तों आज जो भारत M का लड़ाकू विमान बना रहा है, जो कि 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है, जो कि 2024 या 25 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसे लड़ाकू विमान अमेरिका 20-25 साल पहले से इस्तेमाल करता रहा है, और 30 साल पहले ही उसने इस विमान पर काम करना शुरू कर दिया था, तब आपका नंबर से पहले इस्तेमाल करता रहा है, 35 साल पहले उसने इस पर काम शुरू किया था, इसलिए भारत ने इस फूफा लड़ाकू विमान की जो 6th जनरेशन विमान है उस पर अभी से काम शुरू किया है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।